जलालाबाद पब्लिक कह रही कोटावाला चावल है, लेकिन अधिकारी मामले को निपटाने में जुटे हैं। कालाबाजारी को जा रहा 380 पैकेट कोटा का चावल भरा ट्रक पकड़ा। जलालाबाद दिव्यापुर में एसडीएम जलालाबाद सौरभ भट्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार ने एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा। जानकारी के अनुसार ट्रक में सरकारी कालाबाजारी का चावल पाया गया। ट्रक को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर मंडी में खड़ा करा दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जलालाबाद क्षेत्र में कोई भी राइस मिल न होने के कारण बड़ी मात्रा में राशन का चावल पाया जाना पूर्ति विभाग पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। एसडीएम सौरभ भट्ट ने बताया कि संदिग्ध ट्रक को कस्टडी में लेकर मंडी परिसर में खड़ा कर दिया है। ट्रक वाले ने गाड़ी के कागजात भी दिखाए, लेकिन क्षेत्र में कोई राइस मिल न होने के कारण ट्रक से लदा चावल संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सुबह पूर्ति विभाग से चेक करवाया जाएगा कि ये चावल सरकारी राशन का है। यहाँ पर बता दें कि सरकारी कोटा वाला चावल मोटा होता है। इसके अलावा यह चावल खुले बाजार में नहीं बिक्री होता है। इसके अलावा इस चावल को हाथ में लेने पर सफेद पाउडर हाथ में लग जाता है। देखिए, ऐसा है, कल रात में सूत्रों से जानकारी मिली कि कोई एक संदिग्ध वाहन जिसमें कि चावल लदा हुआ है वो जा रहा है, तो नायब तहसीलदार की टीम बनाई गई और टीम की अध्यक्षता में इसे जलालाबाद चौराहे पर पकड़ा गया। उस समय वो कागज पत्र नहीं दिखा पाया, तो इसे प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए मंडी परिसर में खड़ा करा दिया गया सुरक्षा व्यवस्था के साथ। उसके उपरांत सुबह नायब तहसीलदार, सीआरओ, सप्लाई इंस्पेक्टर की टीम बनाकर उसकी जांच की जा रही है।